जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज मैं आपके साथ एक विधि शेयर करने वाली हूँ। आप लोग को भी पता है सावन चलने वाला है, और सावन में अगर आप इस विधि को करते हो तो आप जो मांगोगे ना उसे डबल ट्रिपल आपको रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है शिव जी कितनी जल्दी खुश होने वाले देवता है, और कहीं ना कहीं हनुमान जी को शिव जी का ही रूप कहा जाता है। तो आपको हनुमान चालीसा संकल्प करना है 3 दिन 11 दिन, आप जितना भी करना चाहो। 3 दिन का होता है या 11 दिन का होता है, 7 दिन का भी होता है, तो आप इन 3 में से कितने भी दिन का संकल्प कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जो भी पहला मंगलवार या शनिवार आए जब सावन शुरू हो, उस दिन से आपको शुरू करना है। आपको सपोज करो पहले मंगलवार आ जाता है, तो आपको सुबह उठना है, नहा धो के हनुमान जी की फोटो सामने रख के आपको दिया जलाना है, चमेली के तेल का या सरसों के तेल का। अच्छा, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं, आप जरूरी नहीं सुबह ही पढ़ो, आप अगर शाम को फ्री होते हो तो शाम को भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि जितने दिन करोगे तो फिर समय आपका सेम रहना चाहिए सुबह या शाम, ये नहीं कि कभी सुबह पढ़ रहे हो कभी शाम को पढ़ रहे हो। हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, प्रसाद रखना है जो हनुमान जी को पसंद होता है, गुड़ चना, ठीक है, बूंदी का प्रसाद होता है, लड्डू। और क्या करना है आपको, एक लोटा जल भर के रखना है, और हाथ में सिक्का लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, और अपना नाम लेते हुए, जिसमें नाम कीर्ति है, मैं कीर्ति और जिस जगह के रहने वाले हो, इस जगह पे रहने वाले इनकी पुत्री, ये संकल्प करती हूँ। मतलब जो भी आप इच्छा चाहते हो, मतलब पहले आपको बताना है कितने दिन तक इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, तो अपनी मनोकामना भूलनी है। अच्छा, जब आप संकल्प लेते, आपने एक सिक्का रखा था ना हाथ में, तो थोड़ा सा पानी भी लेना था उस टाइम पे, थोड़े से चावल, थोड़ा सा पानी और एक सिक्का, और ये मंत्र जो स्क्रीन पर आ रहा है बोलते हुए धरती पे छोड़ देना है। जैसे ही आप धरती पे छोड़ते हो, फिर वो सिक्का उठाना है और आपको लोटे में रख के उस लोटे को ढक के रख देना है। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। आपको 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है, फिर प्रसाद खुद भी खाना है, घर में सबको खिलाना है, लोटे को आपको हाथ नहीं लगाना है जितने दिन तक का आपका संकल्प है। सपोज करो आपके 3 दिन का संकल्प है, तो आपने मंगलवार से शुरू किया, मंगलवार पहला दिन, बुधवार दूसरा दिन, और बृहस्पतिवार आपका तीसरा दिन होगा। ऐसे ही 3 दिन कंप्लीट होंगे, और जब आपका लास्ट डे होगा उस दिन आपको वो लोटा वहां से उठाना है, और वो जो सिक्का अपने पर्स में रखना है वो जल खुद भी पीना है, फैमिली में किसी के लिए किया है, किसी की हेल्थ के लिए किया है, उसको पिला दो, घर में छिड़क दो, वो पॉजिटिव जल हो जाता है। और इस तरीके से ये आपका संकल्प पूरा भी नहीं होगा, उससे पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो भी मनोकामना आप करोगे। पर कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं कि जितने दिन आपका संकल्प होगा आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, जितने दिन आपका संकल्प होगा आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, जितने दिन आपका संकल्प होगा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करने बैठो आपको साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठना है, और जब भी आप सपोज करो कोई शाम को हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो शाम को ही नहाना है, क्योंकि नहाने के बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है, सीधा हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठना है। मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना उतने दिन तक, तो ये चीज़ों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो आप जो भी मनोकामना रखेंगे आपकी, वो हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, विवाह से रिलेटेड हो, घर की सुख शांति से रिलेटेड हो, संतान प्राप्ति के लिए हो। बस आपको भगवान पे भरोसा पूरा रखना है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के तो कुछ भी नहीं होता। आपको विश्वास पूरा रखना है, तो आप जो भी चाहेंगे आपकी वो हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली।